स्वागत बाटे सुर प्रेमी जहान के, अपना हिंदुस्तान के, अपने तो झुक के बाकी भोजपुर या सीना तान के। हम मनोज तिवारी आप सब लोग के स्वागत करतनी अपने वो जगत प्रसिद्ध अनोखा संगीत के कार्यक्रम में, जेकर नाम बाटे सुर संग्राम द्वितीय महायुद्ध। रणभूमि बन के तैयार बाटे, स्वर के लय के ताल के वार शुरू होई, दूगो प्रदेश में युद्ध बाटे। अब जे चुना गिल बाटे वो 25 लाख रुपया के हकदार बने तक आपन लड़ाई जारी रखी। वो लड़ाई जारी रखी और DTS SI के शानदार बाइक जीते तक। ओकर प्रयास जारी रही 11 लाख रुपया के दूसरा इनाम जीते तक। ओकर प्रयास जारी रही 5 लाख रुपया के तीसरा इनाम जीते तक। हरा हरा बरसात होखे वाला बाटे। आज एक कुर्सी पर वो लड़की बैठे वाली बिया जो आयल तो रहे भोजपुरी सिनेमा में गाना परफॉर्म करे, लेकिन आइटम सॉन्ग बहुत लोग आयल करके गईल। वो लड़की एगो नया कहानी रचत गईल। उनका के बुलावे से पहले आपके बता दी कि आज एगो खास फिल्म के प्रमोशन करे आ रहल बड़ी, और उनका संगे उनके फिल्म के प्रोड्यूसर भी बाड़े, जिनका नाम वा अभय सिन्हा और कलाकार सबसे पहले रवि जी बहुत बहुत प्रणाम, मालिनी जी बहुत बहुत प्रणाम, कल्पना जी प्रणाम, संभावना सम्मान बाड़ू तू, भोजपुरिया हेलन बाड़ू तू। आज हम के शो में संभावना सेठ जी के पिताजी भी आए जी, मेरे पिताजी आज ये स्पेशली ये शो देखने आए हैं। मैं उनको लेकर आई हूँ क्योंकि वो देखना चाहते थे। चाचा आपके स्वागत करता नहीं, प्रणाम करता नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप देश के वो संभावना सेठ दे। मेरे दिल में सबसे ज़्यादा सुर संग्राम के लिए इज्जत और प्यार, और इतना ज़्यादा जो मैं जुड़ी रही सुर संग्राम से उस वक्त, वो उसके पीछे आप लोग तो थे ही थे, लेकिन सबसे बड़ी मेरी प्यारी मालिनी अवस्थी जी थी, जिनकी वजह से मैं सुर संग्राम देखती थी। मैं इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। और कल्पना जी खातिर का खोलो, कल्पना जी के तो इतने जितने मैंने सॉन्ग्स किए हैं आज तक, मेरे ख्याल से 50-60 जितने भी सॉन्ग्स मैंने किए होंगे भोजपुरी फिल्म में, सारे के सारे अधिकतर कल्पना जी के हैं, तो मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। और हमरे दाहिने तरफ खड़ा एगो ऐसन व्यक्ति जे अब तक लगभग 20 से ज़्यादा फिल्म खुद बना चुकल बाड़े, भोजपुरी सिनेमा के लेके हमेशा चिंतित बाड़े, और एगो इनकर नई फिल्म आ रहल बाटे जेकरा के लेके आज हमनी के बीच में बानी यहाँ के, ओ फिल्म के नाव बाटे रणभूमि। हम पहले से एक रणभूमि तैयार करते नहीं, वैसे भी हमनी के मंच रणभूमि हो गई बाटे, लेकिन रणभूमि अभय जी के नेक्स्ट फिल्म के भी नाव बाटे जोना में हम हूँ बानी। ये नक्सलवादी जो स्टेट के खिलाफ जंग का ऐलान कर चुके हैं, उन्हें हर हाल में रोकना है, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, हमें पीछे नहीं हटना है। रणभूमि में उतरने के लिए तैयार हो जाओ। न थाना, न पुलिस, न कोर्ट, न कचहरी, जनता के अदालत के फैसला पर आ रहल बानी। 6 इंच छोटा करे, घूमत बानी खुल्ला, हम बन के गुल गुल्ला, रसगुल्ला के सब रस चूस गए हो। अपने सुर संग्राम के रणभूमि सच के तैयार बाटी। एक और डावर रेड पेस्ट यूपी के शान, एक तरफ बजाज एलमंड ड्रॉप्स बिहार के आन। आज के एपिसोड में फिल्म के गाना नहीं हुई, नॉन फिल्मी गाना हुई, एल्बम के गाना हुई, और भोजपुरी संगीत एल्बम से सजल बाटी। और ए एल्बम के गीतन के राउंड में कोनो महायोद्धा के बुलाई, ओकरा पहले बिहार के कप्तान से बात करी चाहता नहीं, आलोक कुमार जी जी भी। कितनी तैयारी बाटे एल्बम के गीतन के लेके, तोहरा का लागत अटे? बहुत बहुत जोर शोर से तैयारी हो गई बा, सब लोग तैयारी के लिए बाटी जी, एकदम जोर शोर से तैयारी के लिए। इरोरा हाथ में का बाटी? ये विजय पत्र बा। विजय पत्र जी जी, आज जिकर सबसे ज्यादा नंबर हुई जिकरे हाथ में चाहिए जी जी जी। मोहन राठौर जी, कैसन तैयारी बाटे आज तोहरे टीम के? इतना बिहार तैयारी के लिए बा कि मंच पे जाते पता चल जाए सब लोगन के कि कितना तैयारी के लिए बा। विजय पत्र जब हम सुर संग्राम गावत रहनी तब हमरा के जज लोग देले रहनी जा,
हम चाहब कि हमार भैया बहन सब लोग बाटे जे गावत आ यूपी में ये लोग अच्छा गाई आई हमरा जज लोगन से पाई जी। अपने स्वर से अपने संगीत से विजय पत्र लावे के क्षमता रखी ओके विजय पत्र मिली जे लगातार विजय पत्र पकड़त रही वही बन जाई 25 लाख रुपया और डीटीएस एसआई के शानदार बाइक के मालिक। सबसे पहले बुला रहल बानी झारखंड के खुशबू कुमारी की। अगर तू वंस मोर गा देलू ना तो हम संभावना जी के लिए कहेंगे आ जाए गाय में एकदम गाय गा दो तो गाय दो जय बिहार जय बिहार। छोड़ के आपन देश बलमुआ, छोड़
बनी अपने प्रदेश के सम्मान एक खातिर मचल बाटे घमासान। ई हवे उ मंच जोना पर बाटे भोजपुरी संगीत के महासंग्राम सुर संग्राम द्वितीय महायुद्ध में, जहां रणभूमि तैयार बाटे और सिलसिला शुरू हो गिल बाटे टॉप पर पहुंचे खातिर। ममता रावत गा के चल गिली आज के दिन एह मंच पे खड़ा रहे खातिर। हर बार करे के पड़ी मजेदार परफॉर्मेंस, और ममता रावत के परफॉर्मेंस के बाद अब बारी बाटे यूपी के शान के। हम बुला रहल बानी यूपी के मंगला सलोनी जी के जोरदार ताली से स्वागत करे के। हम सीधे सीधे चला था नहीं, रवि भाई थोड़ा सा इनके बारे में कुछ कहीं। बहुत बढ़िया हो तरा खातिर का कहीं, हम कुछ कहें तो जग हसी हमरा पे गेला। बड़ा बकलौल बाड़ा तू इनकरा खातिर जेकरा के आज पूरा हिंदुस्तान स्वीकार ले लेस। तोहरा के ममता जी के सब लोगन के रघु रघु बाबू के मनोहर के आज हिंदुस्तान प्रेम करता। हम का कहीं, हम तो एगो छोट सा सिपाही बानी भोजपुरिया। रार महादेव बहुत बढ़िया। कल्पना जी मंगला बहुत बढ़िया, मुझे बहुत अच्छा लगा, खासकर गीत का चयन बहुत अच्छा है और जो न्याय होनी चाहिए वो न्याय आपने किया। लेकिन सबको शायद पता नहीं मंगला, मनोज जी मंगला खुद इतना अच्छा, तुम्हारा खुद भी एल्बम निकला हुआ है और मैं सुनी हूँ वो एल्बम, वो धोबी गीत मैं सुनी हूँ और मैं बहुत बेसब्री से एक्चुअली इंतज़ार कर रही थी कि अपना गाना गाओगी तुम। मनोज जी पता नहीं आपने सुना कि नहीं, अजीब सा एक खनक है, अजीब सा अपना एक पहचान है मंगला का। और प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आगे तुम वो सब गाओ प्लीज़। जरूर दीदी। बहुत बढ़िया मालनी जी, ये पूरा सुर संग्राम और इसका मंच विशेष रूप से उत्तर प्रदेश का जो पूरा एक मैं कहूँगी जो घर है वो मंगला के बिना नहीं सुहाता, तुम्हारे बिना अधूरा है, बहुत सुंदर। संभावना जी आपके का लगल? मंगला ने कोयल से रिलेटेड ये जो गाना गाया है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं मंगला का नाम मंगला हटाकर कोयल रख दूं क्योंकि मुझे इनकी आवाज़ कोयल जैसी लगी है, इतनी मीठी आवाज़। ऑल द बेस्ट। आलोक कुमार जी कैसा लागल इनकर गाना? बहुत अच्छा लगल भैया। अच्छा लगल? वाकई में अच्छा लगल। आलोक कुमार के मंगला सोलोनी के गाना अच्छा लागल। बाकी जज साहब लोग जो नंबर दिए जाओ तो पता चलबे करी, चल के अपनी कुर्सी पर बैठ जाए। एकरा में के प्रदेश के सम्मान बनी, हम सीधे बुला रहल बनी बिहार के आन ममता रावत के।
राज्यों ने घमासान में कोने व्यवधान नहीं हुए सीधे चले के बाटे अपने प्रदेश के सम्मान बन जाए के बाटे आज इनके खातिर भाई हम कुछ बोला चाहता नहीं बोला बाबू मालिनी दीदी यहाँ आके दो लाइन गाई ना हमारे साथ अरे लखिया बाबूल मोहे काहे को ब्याही विदेश अरे लखिया बाबूल मोहे काहे को ब्याही विदेश हम तो हम सीधे कल्पना जी के पास चलब मुखड़े में दो बार तुमने विदे विदे देन विदेश पे आई शब्दों के क्लैरिटी पे हमेशा ध्यान दो क्योंकि अभी का सुर संग्राम बहुत आगे पहुंच गया है बहुत डीपली सुरों में नहीं जाते हुए आपकी आवाज़ मुझे बहुत ही शुद्ध लगी मुझे बहुत साफ लगी और ऐसा लगा कि आप दिल से गा रही थी जो हमारे दिल को छू गई सो ऑल द बेस्ट टू यू रवि किशन जी हे झारखंड की देवी ये झारखंड की माई भगवती के रूप में झांसी की रानी हर एपिसोड में तू अपन कितना रूप दिखेबू हो का तोहार तरक्की होता हो कितना तोहार पगार बढ़ाता हर एपिसोड में तोहार पगार बढ़ाता और यह तरह तरह भगवान पगार बढ़ावे और पगार 25 लाख हो जाए यह महादेव से आज हमार गुहार बाटे हरार महादेव मालिनी अवस्थी जी के गावल गीत और अगर मालिनी जी वो कुर्सी से आके यहाँ तक ममता रावत के संगे गा सकेली तो बतावे के जरूरत नहीं थी कि ममता के गीत उनका एक कैसन लागल बाटे मचल बाटे घमासान सिरमौर बने के अपने प्रदेश के सम्मान बने के